हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुमोना गार्डन। आज की है 11th अप्रैल और ये मेरा आंगन का ओवरव्यू है। बट आज का टॉपिक हम पेंडनास के ऊपर लेंगे। मैं आपको पेंडनास प्लांट तक ले जाऊंगी। मेरा आंगन कुछ इस तरह लगता है। विंटर्स में मैंने यहाँ हैंगिंग्स में पिटूनिया डाल रखा था और अभी यहाँ पर्सलेन पॉचुले का है। ये डाइंथस अभी भी उसी तरह फुल ब्लूम पे है, जो ये अंदर से इस तरह रखा है। हाँ, साइड में कुछ रोज़ के प्लांट्स हैं, ये पर्शियन शीट। वहाँ मेरे कुछ और प्लांट्स रखे हुए हैं, बैम्बू रबर प्लांट्स। इसका वन बाय वन कभी और वीडियो में देखेंगे। और ये तो ब्यूटीफुल मेरा चीकू का झाड़ है और ये मेरी अमराई, जहाँ पे आम भी लगे हुए हैं और तरह तरह के पक्षी भी आते हैं। देखिए, चलिए हम मूव होते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो है पेंडनास प्लांट। ये पेंडनास एक इंडोर प्लांट है, बहुत ही हार्डी वैरायटी का। ये आपको कोई भी नर्सरी में मिल जाएगा 30 to 40 रुपीस में। और इम्पॉर्ट ये प्लांट मैंने सॉइल मिक्सचर में लगाया है। मैं जो भी प्लांट लगाती हूँ उसका सॉइल मिक्सचर फिक्स रहता है, ऑलमोस्ट मिट्टी प्लस उसमें मैं कुछ पार्ट रेत का मिलाती हूँ और उसके बाद कुछ वर्मी कंपोस्ट। ये प्लांट लगाए हुए मुझे 2.5 ईयर्स हो गए हैं, जो इसी पॉट पे है। इसे मैंने रिपॉट भी नहीं किया है, बस मैं इसे टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देती हूँ कि साल में 2 ही बार। और इस प्लांट से मैं आज कुछ पप्स, बेबी पप्स हुए हैं, वो मैं आपको निकाल के दिखाना चाहती हूँ। और ये हम कहीं और ट्रांसप्लांट करेंगे ताकि एक नए प्लांट हमें मिल सके। देखिए, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इसको नीचे बेस से आप इस तरह से निकाल लीजिए, सो दैट एक टिप मिले आपको जहाँ से वो आगे ग्रो हो। ये एक हो गया है, यहाँ पे बहुत सारे पप्स हैं। अगर ये हम नहीं निकालेंगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, इसलिए हमें ये निकालना ज़रूरी है। ये सेकंड है, ये दो ही मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ, बाकी मैं और भी निकाल लूँगी। इसके साथ कोई भी मिट्टी में मैं इसे दो पप्स जो है ये यहाँ से इसमें से रूट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। इसे मैं कोई भी, जैसे ये साइड में एक पॉट रखा हुआ है जहाँ मैंने ऑलरेडी सीडलिंग ऑफ मैक्सिकन पिटूनिया है, वहाँ मैं इसे बस छोटा सा गड्ढा करके ये फिक्स कर देती हूँ। इसे भी रेनी सीज़न तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है उस तरह से लग रहा है कि ये बहुत जल्दी ही लग जाएंगे। ये एक, और यहाँ कुछ रख देती हूँ, सेकेंड बस, क्योंकि मिट्टी गीली है इसलिए मैं पानी नहीं दूंगी। अगर आपकी मिट्टी गीली नहीं है तो आपको इसके ऊपर मिट्टी डालनी होगी। और इसमें मैं हर एक तो समर सीज़न जैसे भी स्टार्ट हो जाता है उस टाइम मैं एक वर्मी कंपोस्ट दे देती हूँ। सो ये है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और इसमें कोई इन्फेक्शंस या कोई इंसेक्ट नहीं लगते हैं, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको इस वीडियो में। Thank you so much for watching. If you like my channel, please subscribe it. Thank you so much.